बचाओ, देश बचाओ, वापस लो, 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 रुके रहो, एक सेकंड, वापस लो, वापस लो, वापस लो, हमारे लिए इस समय हम जो है कि गोपीगंज के कस्बा पूरे गुलाब नई बस्ती से होते हुए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो सीएबी और सीएए एनआरसी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। और हम इसमें चलते हैं, कुछ लोगों से सलाह लेते हैं कि इन लोग का क्या इरादा है, सरकार के जो मनसा है उनके बारे में जानना चाहते हैं, इन लोग से पूछना चाहेंगे कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सरकार हित के लिए कर रही है या अनहित के लिए इन लोगों के लिए। विशेष तो चलिए किसी से हम बात कर लेते हैं। भाई आप अपना नाम बताइए। ये जो कानून लगाया गया जिसके बारे में आप लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें जो है कि आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? ये कानून एकदम सरासर गलत है। ये कानून जो कि एक सिर्फ एक पक्ष को देखकर किया गया, इसलिए गलत है। कानून ऐसा हो जो सबके लिए हो, इसलिए हम इसका विरोध करें। और सरकार जब तक वापस नहीं लेगा ये, हम इसका विरोध करते रहेंगे। संविधान सबके लिए है, एक रहना चाहिए कानून। ये कानून जो है संविधान के खिलाफ है और धारा 14 के खिलाफ है, जो कि सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन ये सरकार जो फासीवादी है और सिर्फ मुसलमानों को क्यों अलग किया है? अगर कैब में तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लाना चाहिए ना, मुसलमान क्यों इन्होंने अलग किया है मुसलमान को? इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेगी हम लोग ऐसे ही विरोध करेंगे और हमेशा करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। ये कानून निहायत ही सख्त और बहुत गलत कानून है, गलत तरीके से। गवर्नमेंट के तरीके से तो सही है, लेकिन हम सारे पब्लिक के तरीके से ये तरफ से गलत कानून है। इसको फौरन से जल्दी वापस ले लिया जाए, वरना देश के अंदर खतरनाक मामला देख रहे हैं। चलिए हम किसी और से सलाह लेंगे। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, जल्दी लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, जल्दी करो, वापस लो, वापस लो। ये कानून सरासर गलत है। इसमें तो पहली बात तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है और इसमें ये धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, जो कि ये भेदभाव के नजर से देखा जा रहा है। और हमारा धरना तब तक जारी रहेगा शांति पूर्वक जब तक ये एनआरसी और कैब वापस नहीं लेते हैं। यहाँ पे हमारा भी शामिल खून है, जितना हक तुम्हारा है उतना हक हमारा भी है। हम भी यहाँ आजादी के साथ रहना चाहते हैं, नहीं चाहिए हमें सीए अभी एनआरसी। हम लोग वापस लो, मोदी रहेंगे।